हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली होममेड रेसिपीज। मेरा नाम है जॉली और आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं होममेड कंडेंस मिल्क की रेसिपी। कंडेंस मिल्क वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पर जो हम चीज़ घर में बना सकते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी और एकदम चीप और एकदम वर्थ है। कंडेंस मिल्क जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, चाहे गाजर का हलवा बना रहे हो हम, चाहे हम इसके अंदर कोई भी मिठाई बना रहे हो, कोकोनट लड्डू हो, या आप इसके साथ साथ इसके किसको एगलेस केक्स में और इवन आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जो क्लिक कीजिएगा, जिसमें सारी रेसिपीज़ की अपडेट आपके पास आसान तरीके से पहुंच जाए। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। आप इसमें कोई भी मिल्क ले सकते हैं, लो फैट मतलब आप इसमें टोन मिल्क भी ले सकते हैं, उसमें भी कंडेंस मिल्क का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ साथ मैंने लिया है इसमें चीनी और ये है बेकिंग सोडा, जिसमें मैंने 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, जिसको हम कुकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसके लिए हमने लिया है थिक बॉटम पैन, मतलब आप जो भी जिसमें भी दूध या कंडेंस मिल्क बनाए उसको कप खुला बर्तन लें। तो हमने इसमें अपना डाला है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क और हमें इसे चलाते रहना है। और हमने इसको मीडियम हीट पे करा है, हाई हीट पे नहीं पकाया है। मीडियम हीट पे हम जब तक इसको अच्छे से पकाएंगे, जिसमें इसमें अच्छे से फर्स्ट बॉयल नहीं आ जाता। तो आपको जितना आप अच्छे से स्लो कुक करेंगे, कंडेंस मिल्क का जो टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और एकदम बहुत ही डिलीशियस निकल कर आएगा और बिल्कुल बाजार जैसा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बाजार जैसी कंडेंस मिल्क है, हमने घर में बना ली। तो देखिए, इस टाइम पे दूध हमारा एकदम बॉइलिंग स्टेज पर आ गया है, हमारे साइड में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें इसको चलाते रहना है और उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा और हमारे दूध का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और हमारे कंडेंस मिल्क का भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइम पर हम इसको चला रहे हैं और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। फर्स्ट बॉयल आने के बाद हम चीनी डालेंगे। चीनी को हमें पहले नहीं डालना है, क्योंकि चीनी हमें कंडेंस मिल्क होता क्या है, कंडेंस मिल्क ऐसा मिल्क है जो स्वीट होता है और एकदम थोड़ा सा थिक और एकदम चिपचिपा होता है। तो अगर हम पहले डाल देंगे तो उसमें वो टेक्स्चर आ जाएगा, पर वो चीज़ नहीं आएगी जो हमें चाहिए। तो हमने इसमें डाला है अब अपना कुकिंग सोडा और अपना क्या कहते हैं चीनी। तो हमें बस अभी से चलाते रहना है, एकदम मीडियम हीट पे पकाते रहना है और धीरे धीरे जैसे आप पकाएंगे दूध जो है एकदम थिक होता रहेगा और अपना कलर चेंज कर लेगा। तो इस टाइम पे आके देखिए, हमारा जो दूध है एकदम थोड़ा सा हाफ हो चुका है और दूध का जो टेक्सचर है थोड़ा सा थिक हो गया है। बस हमें इसे चलाते रहना है और थोड़ा सा टाइम वर्थी है ये। मेरे को कम से कम 45 to 50 मिनट्स लग गया था इसको बनाने में, पर मुझे लगता है कि घर पे बनी हुई चीज़ जो आप अपने हाथों से बनाएंगे वो ज़्यादा वर्थ है और बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ता है ये। और तो देखिए, हमने इस टाइम पर दूध अपना, ये देखिए हमारे दूध का जो कलर है एकदम बदल गया है, चेंज हो गया है, क्रीमिश सा हो गया है। और बस इस टाइम पे अगर आपके दूध में थिक मतलब क्रीम आ रही है तो आप इसकी बात की टेंशन नहीं लेना। हम इसके एंड में आपको दिखाएंगे कि इसमें से आप क्रीमिश मतलब अधिक क्रीम कैसे निकाल सकते हैं और एकदम स्मूथ टेक्सचर कैसे बना सकते हैं कंडेंस मिल्क को। तो देखिए, हमारे दूध जो है गाढ़ा होता जा रहा है और हाफ हो गया है इस टाइम पर, हाफ टू हाफ हो रहा है। और ये देखिए, हमारे दूध में कलर आ रहा है एकदम क्रीमिश येलो जैसा, जैसे कंडेंस मिल्क का होता है। और हमने इसको पकाना है और हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और जब हमें लगेगा कि हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, एक कंडेंस मिल्क वाली कंसिस्टेंसी में आ चुका है, हम तो हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो कंडेंस मिल्क है रेडी हो चुका है नहीं हो चुका। एक मैंने कटोरी में दूध मतलब ये जो कंडेंस मिल्क है मैंने डाला और मैंने देखा कि इसमें एक तार चाशनी बन रही है कि नहीं बन रही है। चाशनी में थोड़ा सा चिपचिपा कम है और चाशनी नहीं बन रही थी, तो मैंने दोबारा से उसको और पकाया थोड़ी देर के लिए। तो देखिए, अब हमारे दूध में कितना बढ़िया कलर आ चुका है और हमने दोबारा से इसको हमने चेक किया है
दोबारा से चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको ठंडा किया था और देखिए इसका टेक्सचर एकदम बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। हमें इतना थिक नहीं करना है कि ये इसे जमने लगे, बस हमें इतना करना है कि इसके अंदर चिपचिपापन आने लग जाए दूध के अंदर, दूध और जो हमने चीनी डाली है इसके अंदर। तो इस टाइम पे हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। तो बस हमने अपनी फ्लेम को करा स्विच ऑफ और हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा क्रीम ऊपर आ जाएगी क्योंकि, और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर बना है। तो बस हम इसको छानेंगे कि जिससे में जो इसकी क्रीम है, हमें वो क्रीम नहीं चाहिए इसके अंदर, और मैंने इसको छाना है। अगर आपको विदाउट छाना भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, पर मुझे एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए था अपने कंडेंस मिल्क का, तो मैंने इसको छान के यूज़ किया है और उसको मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में, आप इसको 1 to 2 मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स टेस्ट गुड एंड वेरी फ्रेश था। और मैंने नेक्स्ट डे की, ये मेरे नेक्स्ट डे है, एकदम थिक, एकदम स्मूथ और एकदम सिल्की टेक्सचर का कंडेंस मिल गया है जो एकदम प्रॉपर चिपचिप हो रहा है। तो देखा आपने हम कितनी आसान तरीके से घर पे भी कंडेंस मिल्क बना सकते हैं और वो 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय, टेक केयर।